हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल BL क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे आपके सामने दिख रहे इंजेक्शन ऑक्सीटेटर साइक्लिन के बारे में, जो किन किन पशुओं में लगा सकते हैं, किस रूट से लगा सकते हैं, वह पशु को कैसे लगाएं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो लंबी भी हो तो प्लीज़ स्किप करके ना देखें, वीडियो को प्लीज़ पूरी देखें। यह इंजेक्शन गाय, भैंस, भेड़, बकरी व डॉग्स के अंदर लगा सकते हैं। डॉग्स के अंदर यह इंजेक्शन हम IV रूट से ही दे सकते हैं। अन्य आपस वह बात करेंगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर, यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। कई बार देखा है पशु के बहुत तेज़ बुखार होती रहती है, उस अवस्था में पशु चिकित्सक यह इंजेक्शन जरूर लगाता है। बात करें पशु चिकित्सक, चिकित्सा इस इंजेक्शन के बिना अधूरी है। हर पशु चिकित्सक के पास यह इंजेक्शन ज़रूर मिलेगा, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। जब सारी मेडिसिन पूरी हो जाए, या सबसे पुराना बोले तो यह इंजेक्शन है जो कि एक ऑयली फॉर्म्स में आता है, जो कि हम IV, IM व सब कर तीनों रूपों से लगा सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है। कई बार देखा है पशु चिकित्सक इंजेक्शन लगाने आता है, हम पशुपालक को पूरी बात नहीं बता पाते हैं, इसलिए प्लीज़ पशुपालक को पूरी बात डॉक्टर को बतानी चाहिए, जिससे पशु का इंजेक्शन लगाने में सहायता हो। यह इंजेक्शन हम ज्ञापन पशु को नहीं लगा सकते, अगर लग भी जाए तो बोलते हैं ना ठंड का, यानी डूरा प्रोजन इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, जिससे पशु ज्ञाप ना गिरें। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। पशु को तीव्र बुखार होने पर या किसी प्रकार की बीमारी होने पर या बैक्टीरियल वायरल बीमारी होने पर यह इंजेक्शन काम में लिया जाता है। मैस्टाइटिस के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। कई भेड़ पालक या बकरी पालक तो इस इंजेक्शन को डायरेक्ट पशु को मुँह द्वारा भी देते हैं। पशु के कान में कोई खुजली हो जाए तो भी है, एक ड्रॉप के रूप में भी यह इंजेक्शन को काम में लिया जाता है। बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है ऑक्सीटेटर साइक्लिन इंजेक्शन।